मियाँ साहब आ रहे हैं 4 साल बाद, क्या लगता है तब्दीली आएगी? क्या वो कश्मीर वादा करके आ रहा है जो 4 साल के बाद आ रहा है तो लोग इस्तकबाल करने के लिए उसके पहुंच गए? इस्तकबाल करने के लिए तो वैसे बहुत लोग जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे? नहीं, वो क्या करके क्या आया, क्या उसने किया? एक तो मफरूर है, वो भागा हुआ था यहाँ से। देखो ना, इस्तकबाल की कौम वो जाती है जो मतलब कि वो अपनी मजबूरी को गया हो, वो अदालत से भाग के, और शहबाज शरीफ ने झूठी गवाही दे के कि मेरा भाई वो बीमार है उसको जाने दे। मुझे नहीं समझ आ रही, लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, इस्तकबाल के लिए इस तरह जा रहे हैं जैसे वो कश्मीर वादा करके आया। मैं तो परेशान हूँ, 30 साल से उसने हुकूमत की है, पुल बना दिया, सड़क बना दी है। पार्टी वाले कहते हैं आवाम का समुंदर नजर आएगा, आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं जाएंगे? पता चल जाएगा ना क्या नजर आएगा क्या नहीं। यहाँ से रैली निकलती है तो लोग वादा लगाते हैं मरियम का पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। वो जो साथ रैली वाले होते हैं वो सर नीचे करके जा रहे। अभी वैसे आप भी के साथ मौजूद थे एक मोहतरम, वो कह के गए कि यहाँ से हम 150 बंदा तो मेरी तरफ से जाएगा। वो लेके जाएंगे, वो लालच देंगे ना इनको, वो लालच देंगे, बाइक देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, लालच नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैं नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं जाऊंगा, अपने बॉस की मोहब्बत में जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी हमारे माशरे में एक अजीब सिलसिला है। अच्छा, कह रहे हैं भाई भी मोटरसाइकिल के लालच में, हर दोस्त का एक अच्छा दोस्त है वो साथ जा रहा है इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल के लालच में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे पास, मोटरसाइकिलें भी हैं, सब कुछ है, सही है ना। हम मोटरसाइकिल की खातिर नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ की मोहब्बत की खातर जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने बॉस की मोहब्बत की खातर। आगे आ जाओ सर, ये बता रहे हैं कि जी किस बात का इस्तकबाल, वो क्या करके गए हैं जो हम उनका इस्तकबाल? आपने देखा नहीं मोटरवे किसने बनाया है, ये स्पीडो है, मेट्रो है, ऑरेंज लाइन है, पूरे पंजाब के अंदर कितनी जो चीजें हैं, बेशुमार। बेशक बेशक, वैसे ये तो सच है। नहीं तो मैं ये देखे ना, जब हमने ये देखना कि वहाँ शौर मिला है उसने लॉकडाउन। अच्छा, वैसे मेरा तकरीबन तमाम ही तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों से, स्पोर्टर्स से सवाल है कि किस चीज़ का शौर? शौर उसने ये सियासत के बारे में बताया कि जिस तरह को सियासतदान चोरी करता है, किस तरह वो आवाम के साथ रिलीफ देता है, उसने ये शौर दिया है। ये क्या हमें पुल बना के दिखा देते हैं कि हमने पुल बनाया, वो देखो उसने अग्री करते हैं इनसे आप? मैं करता हूँ, ये भाई कह रहे हैं ना चोर है, मैं आपको कह देता हूँ आप चोर हैं। क्या आप चोर हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, वैसे ही मियाँ है, वैसे ही मियाँ है, कहने से कुछ नहीं होता। ये आपने अपनी आंखों से देखा भी मियाँ चोर है, कुछ नहीं किया उन्हें उसने मुल्क के खातर। कारोबार ठीक था जब वो आया था, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक था, खुशहाल लोग थे। ये इंशाल्लाह जो है ना, ये मुल्क के लिए मियाँ नवाज शरीफ जो है ना बेहतर है, ये इंशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई की खुशहाली आ जाएगी, अग्री करते? किस बात की, पिछले 30 साल में क्या हुआ है, हुकूमत आई तो क्या करने दिया कुछ उन्होंने, आते सारी कोरोना आ गया, 1.5 साल बाद के कोरोना आ गया। पीटीआई ने आज तक क्या किया वो बता दें? पीटीआई ने जब लॉकडाउन आया, जब उसने हुकूमत संभाली है, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, दूसरी इंडिया में देखे क्या हालात हो गए। नहीं, पीटीआई ने क्या किया वो बता, वही तो बता रहा हूँ ना, इंडिया में क्या हाल हो गया था। इंडिया नहीं, पीटीआई ने क्या किया, मैं यही बता रहा हूँ ना, वहाँ पे कोरोना आया, गरीब मरे, भूखे मरे, हुकूमत 12,000 रुपया दिया, वो जो बिल आता उसमें रिलीफ दिया, तो 12,000 दिया, सेहत कार्ड दिया, ये कोई रिलीफ नहीं था बिल्स में। बिल में क्यों नहीं आया, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो नेक्स्ट मंथ में आपका लग के आता है दोबारा जो रिलीफ। वक्ती तौर पर काम ही नहीं था, बिल्कुल घर में बैठे हुए थे, वो दिया था ना उन्हें, सेहत कार्ड दिया सबसे आला जो है गरीब बंदे के लिए जो। अच्छा, आपको लगता है की मियाँ साहब की अगर हुकूमत भी आ गई तो कोई हालात बेहतर नहीं होंगे? हालात बेहतर नहीं होंगे अब मजीद, जो हालात ये कोरोना की वजह से जो हालात गुजरी भी हुकूमत ने कर दी है वो बेहतर नहीं होते? उन्होंने नहीं गुजरे, उन्होंने नहीं किए, ये किए कोरोना ने, कोरोना की वजह से हालात। कोरोना कोई सरबराह है, कोरोना क्या है? इसका रिप्लाई मैं देता हूँ, सही है ना, ये कह रहा है उसने क्या किया है, जब से वो आया है ना मनुष्यता ही फैली है और कुछ भी नहीं हुआ। जब से 2020 में वो आया, कोरोना आ गई, मनुष्यता आ गई, कारोबार ठप, सब कुछ ठप, पूरी दुनिया में आया भाई, नहीं लाया तो है ना पूरी दुनिया में, हमारा पूरी दुनिया में मियाँ इंशाल्लाह, जो मियाँ है वो मियाँ है, मियाँ के सिवा कुछ भी नहीं है। मियाँ हुकूमत को जो है ना अवाम को तरीके कार देता है, सहूलत हर चीज़ की देता है। किस चीज़ की सहूलत उसने दी है लोगों को, 100-100 का नोट दिखा के अपनी तरफ खींचने की है ना। ये नवाज शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ उसने किया है। ये जो ऑरेंज ट्रेन बनी है किसने बनाई है? मेहनत मियाँ की थी, मेहनत नवाज शरीफ ने किया है, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी भी नवाज शरीफ ने सब कुछ किया है। जिस चीज की हमें जरूरत थी नवाज शरीफ ने वो नहीं किया,
हमें मेन जरूरत बिजली की थी, नवाज शरीफ ने वो नहीं किया, उसने सड़क बनाई। हमें मेन जरूरत थी गैस की, उसने वो नहीं किया, उसने पुल तामीरात की है। हमें मेन जरूरत थी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की, उसने वो खराब किया। अब रोला पड़ा हुआ है जी, 21 अक्टूबर को मियां साहब आ रहे हैं, इनसे पूछे कब आ रहे हैं, जरा पूछे ना इनसे कब आ रहे हैं। आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये भाई कह रहे हैं ना बिजली की असूलत नहीं, किसी चीज की असूलत नहीं, कुछ छोड़ के गया पीछे। असूलत तो फिर देता ना बिजली की, सारों की, जब खजाने में कुछ छोड़ के जाता। एक चीज की हमें एक चीज समझाई है कि आवाम के साथ कैसे बात करनी है और अपने बड़े के साथ कैसे बात करनी है, पहले नंबर पे ये। और जब उनके दौर में 150 एक मिनट, आप कह रहे हैं कि साहब ने ये शौर पैदा किया है कि इखलाकियात के अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, ये बता रहे हैं आप? जी अच्छा सही, सबसे बड़ी बात ये है। आपको लगता है कि मियां साहब अगर आ गए और हुकूमत उनकी हुई तो कोई तब्दीली नहीं होगी? हमें लगता ही नहीं कि वो आएगा। मियां साहब का मुझे एक चीज लगती है, मियां साहब 21 को आएंगे जरूर, लेकिन हटियाला के अंदर एक कमरा तैयार कर दिया गया। अभी जो पिछला ये बिल उसने, अच्छा जी एग्री करते हैं इनसे? जी किन से एग्री करते? ये कह रहे हैं जी हटियाला में कमरा तैयार कर। मियां से एग्री है, हम तो सिर्फ मियां से एग्री है, हमारी जान है मियां से। मैं तानू एक पंजाबी सब कुछ किया है, ये कह रहा ना किसी चीज की सहूलत नहीं दी। जब वो 2000 तकरीबन, मैं जब से मैंने अपनी होश संभाली है ना, मैं 10 से देख रहा हूँ, 10 से लेकर 18 तक काम बड़ा वीआईपी काम था, ठीक है, हर चीज की सहूलत थी। मियाँ ठीक है, तब मियाँ ठीक था, अब मियाँ बुरा हो गया। वो कह रहे हैं कि आवाम में तमीज का शौर पैदा कर दिया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेफिक्र हो जाएं आप, उसका भी मैं देता हूँ आपको जवाब। बात पता है क्या, मेन बात ये महंगाई के बारे में कर रहा है ना, महंगाई किसी चीज़ की कोई महंगाई नहीं, सही है। ये जुल्म अवाम खुद अपने पे करवा रही है, सही है। लीडर हमारे नहीं कहते, ये चीज़ मेरा बॉस कहता है यार आपने इतने की बेचनी, मैं कुछ अपने नंबर बनाने के लिए मैं कहता हूँ यार 200 अगर ऊपर बेचूंगा मेरे कुछ नंबर बन जाएंगे, ये गलत बयानी मेरी है या मेरा लीडर मुझे कह रहा है? किसी गलत बयानी आपकी है, मेरी है या मेरा लीडर मुझे आगे कह रहा है? बिल्कुल। फिर ये भाई किस तरह कहते हैं महंगाई की है? इसका जवाब मैं देता हूँ। हम लोगों का माँ बाप बीमार हो जाता है या हमारे माँ को या बाप को दिल का कोई मसला बन जाता है तो हमारे लिए पंजाब का डियालोजी है, ठीक है। मियाँ साहब को मसला हुआ, मियाँ साहब के लिए इंग्लैंड में लाज था। देखें अगर ये मुल्क के वजीर आजम है या ये मुल्क के तो है ही नहीं ना, समझ लो इन्हें गिरदार ही कह लें आप। इन गिरदारों को चाहिए था मुल्क में रहते। सच्चा लीडर वो है, देखे जेल भी काट रहे आज, एक पैगाम गया जेल तो मियाँ साहब ने भी काटी। वो जेल नहीं थी, वो मजाक था, वो मजाक था, जेल जे होती है जेल, उनको तो सारा उधर उन्होंने फैसले भी दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था उनको, टीवी वहाँ पे दिया था, मोबाइल वहाँ पे दिया अभी, था। अभी की जेल से आए, आपको क्या पता है वहाँ पर है कि नहीं? जज देखे नहीं आया, जज ने कहा नहीं उसका सेल खोल। क्या कह रहे हैं बेटे? ये कह रहे कि जेल में उन्हें सारी सहूलत थी, ये देख के आए हैं। नहीं नहीं, मियाँ साहब की हुकूमत थोड़ी थी, ठीक है, वो बाहर किसे, इसे मियाँ को बाहर किसने निकाला? ये बात बताएं कि चार उनकी भाई की हुकूमत थी, भाई की हुकूमत थी, वो क्यों नहीं आया नवाज शरीफ? अब क्यों आ रहा है? ये डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सबके साथ ये डील हुई है, ये इस वजह से वो आ रहा है। अच्छा। तो अपने भाई की हुकूमत में क्यों नहीं आया नवाज शरीफ, बताए ना? ये अगर कह रहे हैं ना बच्चा की, इसे नहीं पता कि घी क्या भाव है और आटा, अभी इसने कहा है कि 150 रुपये के दौर में पेट्रोल था, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में 85 रुपए था। ये आप 1981 की तो नहीं बात कर रहे हैं? 1981 की नहीं, 1981 की बात कर रहे हैं या 2002 की बात कर रहे हैं? अच्छा, आपकी कितनी एज है भाई? 29 साल। आपने कहा था ने शौर पैदा कर दिया अखलाकियात का, तो हम उनकी बात सुनते हैं ना। शौर ऐसा पैदा किए कि टीवी शो जो होते हैं ना उन पे ने कसूना मुक्की करा दी, ठीक है, के लीडर हो और लीडर तो कोई है नहीं। लीडर कौन सा है? मरियम ने 150 पेशियां काटी, नवाज शरीफ ने 150 पेशियां काटी, वो इसे तो पकड़ने के लिए 10,000 कई पकड़ने के लिए, ये हमें ये सिखा दे बच्चों को। मेरी बात सुने, इस्लामाबाद जाता रहा सुबह डेली, सुबह 5 बजे उठ के इस्लामाबाद डेली जाता रहा, ये बच्चों को सिखाता रहे। कभी ऐसे हुआ है कमरा है अदालत में आप बयान देने के लिए गए हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, कभी आपने देखा हो? ये नवाज शरीफ के साथ हुआ है? ये नवाज शरीफ के साथ हुआ है।
जज को बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनको आके जी गिरफ्तार कर लिया, उनको गिरफ्तार से पकड़ने हैं। यार ये मुल्क का असूल नहीं है। अभी इसके बच्चे नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूं। 200 रुपया मैं अपने बच्ची को देता था, 1.5 किलो आटा।